हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चावल के हिस्से, जिसको अनरसे भी बोलते हैं। ये देखिए, चावल के हिस्से बहुत ही क्रिस्पी और सॉफ्ट भी अंदर से बने। चावल के हिस्से बनाने के लिए मैंने आधा किलो व्हाइट चावल लिया है। इसको मैं पानी में फुलो के रख दूंगी। इसको 24 घंटे के लिए पानी में फिलो के रखा जाएगा। मैंने कल पानी में चावल फिलो के रखे थे, अब ये 16 घंटे हो गए हैं और ये चावल अच्छे से पानी में भीग गए हैं। अब इनको मैं अलग से एक बर्तन में निकाल लूंगी। इसको मैं एक कॉटन के कपड़े में निकाल लूंगी। इसका पानी मैं पूरा अच्छे से निचोड़ दूंगी ताकि चावल बिल्कुल भी गीले ना रहे, इनमें पानी ना रहे। ये देखो, इसका पानी पूरा अच्छी तरीके से निकल गया है। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूंगी। हिस्से बनाने के लिए जो मैंने चावल लिए थे उनको मैंने अच्छे से पाउडर बना लिया है पीस के, और इसको मैं छान लूंगी। इसको हम हाथ से धीरे धीरे प्रेस करते जाएंगे ताकि ये पूरी तरह सूखे नहीं। ये जो देखो, गीले होने से ये इसकी जो बंद गई, छोटे छोटे जो बंद गई है उनको हम हाथ से आटे में बदल लेंगे। चावल के हिस्से बनाने के लिए मैंने ये 2 कप शुगर पाउडर लिया है, 1 कप मावा लिया है और ये 3 कप, लगभग 3 कप चावल का आटा बन गया है। सबसे पहले ये चावल के हिस्से बनाने के लिए मैं कढ़ाई में ये ऑयल गरम करने के लिए रख दूंगी। हम ऑयल ज्यादा ही लेंगे क्योंकि हिस्से हमें डीप फ्राई करने हैं। इसलिए जब तक ये ऑयल गरम होता है तब तक मैं ये आटा, इसका हिस्से बनाने का आटा तैयार करती हूँ। इसके लिए ये जो मावा लिया है वो इसमें मिक्स कर दूंगी। और इसे हाथ से अच्छे से मिक्स करूंगी।
आप चाहें तो इसको बिना मावे के भी बना सकते हैं। अब ये जो शुगर पाउडर लिया था उसको मैं इसमें मिक्स कर लूंगी और धीरे धीरे इसको मिक्स करेंगे। इसमें हमको पानी डालने की जरूरत नहीं होती है, ये जो आटा है शुगर पाउडर के साथ ही धीरे धीरे मिक्स होता है। ये देखिए धीरे धीरे आटा हमारा अपने आप गीला होता जा रहा है। जो मॉइस्चर है आटे में वो बना रहना चाहिए। इसे बनाने से पहले हम अपने हैंड पे थोड़ा ऑयल लगा लेंगे ताकि ये आटा चिपके नहीं, और छोटी छोटी सी लोई बना के हम इसको हाथ से ही फैलाएंगे और इसको हाथ से ही धीरे धीरे बड़ा करेंगे। गरम हो गया है, मैं जो मैंने हिस्से बनाए थे उनको मैं फ्राई करूंगी। हम इन हिस्सों को एक साइड में ही फ्राई करेंगे। और इसको मीडियम आंच पर ही फ्राई करेंगे। देखो ये हिस्सा हमारा फ्राई हो गया है अच्छे से।
ये एक नॉर्थ इंडियन डिश है, इसको होली के त्योहार पे बनाया जाता है, एक स्पेशल डिश के रूप में घर घर में बनाया जाता है।